चलो बिस्मिल्लाह। नाज़रीन आदाब, आज हमारे लिए खुशी का मुकाम ये है कि आज हम अजीम आबाद पटना में बुक एम्पोरियम उर्दू बाजार सब्जी बाग में हाजिर हुए हैं। और जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, जिस शहर में जाता हूँ, मेरा ये अमल रहता है कि मैं किसी उर्दू वाले के पास जाऊँ या उर्दू की किताब जहाँ किताबें मिलती हैं वहाँ जाऊँ और वहाँ के लोगों से गुफ्तगू करूँ। तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में उर्दू की किताबें लेना, उर्दू किताबें लोगों तक पहुँचाना एक बड़ा अमल है, एक बहुत जुए शीर के बराबर है। मैं अपने भाई से ज़रा सा मुखातिब हूँ। जनाब, पहले आप अपना नाम बताइए। हमारे यूट्यूब चैनल है, उस सिलसिले से आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। आपका इसमें क्या नाम है? जनाब इम्तियाज़ अनवर। इम्तियाज अनवर फहमी, बड़ा शायराना नाम है हमारे भाई का। इम्तियाज अनवर और फहमी, इम्तियाज भी हैं, अनवर भी हैं और फहमी भी रखते हैं। आपको माशाल्लाह से एजाज़ हासिल है। मैं आपसे ये गुफ्तगू करना चाहूँ कि आप माशाल्लाह से ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मैं ये कहूँगा बल्कि मुजाहिद हैं आप आज के दौर के, इसमें कोई दोराय नहीं है। तो ये आप ज़रा बताएं कि ये सब्ज़ी बाग का जो इलाका है, इसमें उर्दू लिटरेचर पढ़ने वाले कुछ लोग हैं या नहीं हैं, या कितने हैं, क्या आप सिलसिले कह सकते हैं? नहीं है, पढ़ने वाले हैं। अच्छा, और ये ऐसी जगह है जो सब्ज़ी बाग मेन सेंटर है जी। अच्छा, सारे बिहार के लोग जो है कहीं जाए नहीं जाए, लेकिन इनको यहाँ आना होता है सब्ज़ी बाग। अच्छा अच्छा, क्योंकि उर्दू किताबों का मेन मरकज़ है जी जी, और जो किताब कहीं नहीं मिलती वो यहाँ मिल जाती है। वाह वाह वाह, मतलब ये कि उर्दू लिटरेचर की जितनी अहम किताबें हैं वो आपके यहाँ मिल जाती हैं। अच्छा, बिहार में यानी खसूसा हमारे अजीमाबाद में भी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, वहाँ पर बहुत उर्दू लिटरेचर की खिदमत हो रही है। वहाँ से मुतालिक भी कि अजीमाबाद के अफसाना निगार कौन था या मरसिया निगार कौन था या शायर कौन था, उससे मुतालिक भी आपके यहाँ किताबें मौजूद हैं? बहुत तो नाज़रीन, आपने देखा कि अगर किसी को रिसर्च करनी है किसी तालिबे इल्म को अजीमाबाद की फ़न पर, अजीमाबाद के फ़न पर, उसकी शायरी पर कुछ मालूमात हासिल करनी है, तो मैं समझता हूँ कि सब्ज़ी बाग आना उसका बहुत ज़रूरी है। और हमारे फहमी साहब से और दीगर हजरा से इनको दरअसल लीजिए, अच्छा, इनसे भी मुलाकात करना बहुत ज़रूरी। ये वो लोग हैं, अच्छा, ये वो लोग हैं जो आज के दौर में उर्दू अदब की बहुत खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से इंतहाई अकीदत मोहब्बत रखता हूँ, और जाहिर सी बात है जब भी मैं कहीं पहुँचता हूँ तो मेरे लिए ये रूहानी गजा होती है कि मैं ऐसे लोगों से मुलाकात करूँ। जी जी, एक तारीखी जगह रामानिया होटल है, जाके वहाँ चाहते ये हमारे नाज़रीन को ये बताइए, आपने कौन कौन सी किताबें खरीदी, किताबें जो लगी हुई हैं ज़बान और अदब के हवाले से? मैंने जो ली है वो एक तो ये है कि तलमीहात पे ली, क्योंकि मेरी रिसर्च तलमीहात पे रही। मंजर एयाज साहब या प्रोफेसर थे जी, उनका बड़ा काम है तलमीहात पे, तो उनकी किताब नजर आ गई तो ली। और मैंने एक किताब ली गजल की शेरियात पर। इसके अलावा मुझे थोड़ा तारीख में दिलचस्पी है, तो मैंने औरंगजेब आलमगीर पर एक किताब खरीदी है जो मुझे यहाँ पर मुनफरद लगी। और ये आपके खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी से शायद है। मैं समझता हूँ कि ये किताबें ऐसी हैं जो मेरे मौजू से मुताबिक यहाँ मुझे मिल गई, तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई का भी, और इंशाल्लाह फिर किसी वक्त हाजिर होंगे आपके दोबारा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई का भी।